हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वरंगल। आईटीएफ में आज अपना सेकंड लेक्चर है। कल हमने बेसिक देख लिया था कि आईटीएफ 6 टाइप्स के थे हमारे, उनको डिफाइन कर लिया था, उनकी डोमेन और उनकी रेंज पे हमने काम कर लिया था। तो सभी की हमने डोमेन आई होप आपने याद कर ली होगी। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आपको ग्राफ भी याद होंगे। जैसे मैंने बताया तो आपको टैबलेट जैसे सुबह शाम आपको ग्राफ को लेना है, तो आपने दो दो तीन तीन बार ग्राफ बना के अच्छे से फील करके किससे ग्राफ बन रहे हैं, उनकी डोमेन और उनकी रेंज को अच्छे से याद कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा अच्छे से। ठीक है सर, अभी भी नहीं किया हो तो ट्रिग्नोमेट्री पे आप जाएं, ट्रिग्नोमेट्री के भी ग्राफ याद करें और इन्वर्स के भी ग्राफ आपको याद करना है। एक और मैंने आपको टास्क दिया था कि आपको जो बचपन में आपने जो भी पढ़े थे साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, उनको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मतलब दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, इजीली आप समझ जाओगे। ठीक है सर, तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। तो आज से बस प्रॉपर्टी ही चलेगी, अलग अलग प्रॉपर्टी या फिर टाइप्स मान लो, है ना, ऐसा मतलब नॉर्मली टाइप्स बोल दो या प्रॉपर्टी बोलो, एक ही बात है। ठीक है सर, तो आज हम किस पे काम करने वाले हैं, आज हम काम करने वाले उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होगा कि इस पूरे इनवर्स चैप्टर में ना, पूरे इनवर्स चैप्टर में कहीं देखोगे ना तो इसी टाइप के सवाल बनेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर रहेगा, इनवर्स अंदर रहेगा, या इनवर्स बाहर रहेगा या ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर रहेगा। जैसे साइन बाहर आ गया और यहां पर कोई सा भी इनवर्स आ गया, ऐसा नहीं कि साइन ही आएगा, सपोज आ गया कॉस इनवर्स एक्स, इसको कैसे हैंडल करना है वो सीखेंगे, या क्या आ जाए बाहर क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स और अंदर कॉस एक्स आ जाए इसको कैसे हैंडल करना है वो सीखेंगे, या फिर ऐसा आ जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू समथिंग इसको कैसे हैंडल करना है वो सीखेंगे, या ऐसा आ जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, मतलब अलग अलग एंगल आ जाएंगे, इसको कैसे हैंडल करना उसी पे काम करेंगे। मतलब एक दो और तीन और चार मेजर पार्ट यही पढ़ेंगे हम पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, कि ऐसा आ जाए तो कैसे इवेल्युएट करना है, ऐसा आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, ऐसी इक्वेशन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है सर, तो इनको मैं बारी बारी से लेता हूं। तो आज मैं पहला टाइप वन लेता हूं या प्रॉपर्टी नंबर वन लेता हूं कि जब बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है उस पर काम करेंगे। क्या बोला मैंने कि जब बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसको कैसे करना है उस पर काम करेंगे। ये हमारा एक या डेढ़ लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा दुखी करेगा आपको। क्या दुखी करेगा कि जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर होगा, सॉरी आपका जब इनवर्स बाहर होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर होगा, ये दुखी करेगा। बाकी अगर ये आ गया तो इससे यही सब बनते हैं, है ना। थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, परेशान हूँ तो पता नहीं क्या बोल गए सर। नहीं 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 नहीं, बड़ा चिल चैप्टर है, बड़ा मतलब बहुत आसान चैप्टर है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से समझ लोगे आप। ठीक है सर, तो मैं पहला टाइप लेता हूँ, तो आप भी लिख दो, है ना, जब पहला टाइप वन या प्रॉपर्टी वन, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लो, अगर नहीं किया है तो जाके 26, 27, 28 की कॉपी देखो, वीडियो बंद करो, मत देखो ये आगे, अगर अच्छे से सीखना है तो फंक्शंस में जाके 26, 27, 28 देखो ताकि अच्छे से फील हो जाएगा। इनफैक्ट 26 तो देखो आप, है ना। खैर, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर वन। तो आज हम किस पे काम करने वाले बच्चों की, जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाहर होगा और इनवर्स अंदर होगा, ठीक है सर, तो उसको कैसे डील करेंगे, है ना। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। तो वाई इक्वल्स टू क्वेश्चन क्या आ गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इस टाइप को डील करेंगे। मतलब अभी दोनों सेम रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैसे आएंगे उस पर भी काम करेंगे, बट ये है कि बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, अंदर क्या रहेगा इनवर्स। फिर हम दूसरा किस पर काम करेंगे, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स। तीसरा किस पर काम करेंगे, टेन ऑफ टेन इनवर्स। आज हम इसी पर पढ़ने वाले हैं। पहले आपका माइंड सेट हो गया कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं, क्या जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाहर होगा और इनवर्स कैसे अंदर होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे, उस पर काम करेंगे। जैसे सवाल ऐसा आ गया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 बताओ, या ऐसा आ गया कि साइन ऑफ टैन इनवर्स 2 बताओ, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे उस पर काम करेंगे। सर ये क्यों करेंगे, हमेशा क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम देना है, एग्जाम देना है ना, एग्जाम देना है हर किसी, मतलब ये डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, करते हैं इसको ना, करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, वाई प्लस टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो पहले हम इसकी डोमेन रेंज फाइंड कर ले रहे हैं, डोमेन रेंज फाइंड कर ले रहे हैं, क्या कैसी क्या आएगी। तो सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन कौन है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स में क्या क्या रख सकते हैं, एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, माइनस वन से वन, है ना। एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, माइनस वन से वन। तो अंदर वाला जो फंक्शन है उसकी डोमेन तो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस वन से वन। और जो सॉरी हाँ अंदर वाला, और जो बाहर वाला फंक्शन है उसमें तो कुछ भी रख दो, आर रख दो, है ना। साइन में कुछ भी रख दो तो सब कुछ चलेगा, है ना, सब कुछ चलेगा।
तो इसको जो वैल्यू रख सकते हैं, मतलब इसमें क्या क्या रख सकते हैं, माइनस वन से वन, इसमें क्या रख सकते हैं सारी वैल्यू, तो हम कौन सी वैल्यू रख पाएंगे? दोनों का यूनियन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब टू तो रख नहीं सकते, साइन इनवर्स टू क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो केवल डोमेन क्या आएगी इसकी, माइनस वन से वन, मतलब जो अंदर वाले फंक्शन की डोमेन होगी वही एक्चुअल फंक्शन की क्या होगी, डोमेन। क्यों? क्योंकि बाहर वाले की आर है। अगर बाहर वाले में ये साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता तो फिर डोमेन कैसे निकालते हैं, फिर इसकी भी रेस्ट्रिक्शन लगाते क्योंकि इसकी डोमेन आर नहीं है। या अगर एल एन साइन इनवर्स एक्स आता फिर भी रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ती क्योंकि बाहर वाला फंक्शन की डोमेन आर नहीं है, जीरो से बड़ी है। बट इस बार बाहर वाले फंक्शन की डोमेन आर है तो हम कह सकते हैं कि जो अंदर वाले फंक्शन की डोमेन होगी वही एक्चुअल फंक्शन की क्या होगी, डोमेन। ठीक है सर। खैर तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या आएगी, माइनस वन से वन। तो हेंस वाई इक्वल्स टू जो पहला फंक्शन है, ये मैं क्या समझा गया, ये क्या समझा गया, मैंने फंक्शन पे काम किया बेटो, बच्चों मैंने फंक्शंस पे काम किया है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इसकी डोमेन बताओ क्या आएगी, डोमेन। तो डोमेन आएगी सर, डोमेन ऑफ फंक्शंस, केवल हम सर माइनस वन से वन तक की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि हम यही वैल्यू रखेंगे, तो ये जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वही हमारा क्या होगा, डोमेन, है ना। बाहर वाला कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक। साइन कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमने कल बनाया था, क्या वो रिपीट हो रहा था, अभी पीरियोडिक क्या हो गया हम पढ़ चुके हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ रिपीट होता है क्या, नहीं होता रिपीट, तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। और अंदर वाला अगर नॉन पीरियोडिक है तो पूरा ओवरऑल फंक्शन क्या आएगा, नॉन पीरियोडिक। तो ये फंक्शन कैसे आएगा, नॉन पीरियोडिक, है ना, मतलब जो भी ग्राफ बनेगा इसका रिपीट नहीं होगा, है ना। बनाते इसका ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं। डोमेन कहां से कहां तक बनेगी इसकी, माइनस वन से वन, है ना, डोमेन माइनस वन से वन। ये डोमेन माइनस वन से वन कैसे ही फील आ गया होगा आपको, है ना, अंदर वाले की जो डोमेन है वही पूरे फंक्शन की क्या होगी, डोमेन। वैल्यू रखते बारी बारी से, है ना। हम ये भी जानते हैं कि जो साइन इनवर्स या इनवर्स होता है इज नथिंग बट एंगल। कल हमने सिखा दिया था कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो क्या होता है, एंगल होता है ना, एंगल होता है। मतलब ये जो आएगा साइन इनवर्स एक्स, ये नथिंग बट क्या है, ये एंगल है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, थीटा, है ना, थीटा। तो सबसे पहले डोमेन क्या रखी हमने, यहाँ पर वन रखी, वन रखी। तो साइन इनवर्स वन का मतलब वन कितना एंगल पर देगा, 90 डिग्री पे। तो वन पर कितना एंगल आ जाएगा, पाई बाई टू, ना ये पॉइंट मिला, है ना, वन पर कितना आया, हाँ वन, वन पर पाई बाई टू नहीं मिला, सॉरी, वन रखा, तो वन रखा तो कितना आंसर आया, पाई बाई टू। साइन इनवर्स वन में लिख देता हूँ यहाँ पर, साइन इनवर्स वन इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो वन रखा तो आंसर कितना मिला, पाई बाई टू। तो ये आंसर कितना आ गया, पाई बाई टू आ गया, क्योंकि साइन इनवर्स वन कितना है, पाई बाई टू। और साइन, अब ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई टू आ गई, तो साइन पाई बाई टू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो वन पर कितना आंसर आ रहा है, वन आ रहा है। क्या बोला मैंने, क्या बोला नहीं सुन मैं, देखो ऐसे देखो, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ वन, है ना। और साइन इनवर्स वन मतलब साइन थीटा वन कितने डिग्री पर देता है, 90 डिग्री पे। तो ये इसका आंसर कितना आ गया, 90 डिग्री, मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है, वन। इट मीन साइन ऑफ साइन इनवर्स वन इज नथिंग बट वन, है ना। अब हम रखते जैसे सपोज वन बाई टू रखा हमने, तो वन बाई टू पर कितना देगा, ये वन बाई टू पर कितना देगा, साइन इनवर्स वन बाई टू कितना होगा, साइन इनवर्स वन बाई टू बोलो बच्चों कितना होगा, साइन इनवर्स वन बाई टू कितना होगा, कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, मतलब पाई बाई थ्री। और जब ये पाई बाई थ्री आंसर आए इसमें रखा, तो साइन पाई बाई थ्री कितना आ जाएगा, अगेन वन बाई टू, तो वन बाई टू पर भी क्या आएगा, वन बाई टू। सर क्या बोला, नहीं सुन मैं, इसे देखो, साइन ऑफ साइन इनवर्स कितना चाहिए, हमने क्या रखा, वन बाई टू। तो ये कितना, ये एंगल होता है इनवर्स, तो साइन इनवर्स वन बाई टू कितना होगा, पाई बाई थ्री। तो साइन इनवर्स पाई बाई सिक्स, सॉरी यार, पाई बाई थ्री तो 60 डिग्री होता है, पाई बाई सिक्स, है ना। तो साइन पाई बाई सिक्स, और साइन पाई बाई सिक्स कितना आएगा, वन बाई टू। तो ये वन बाई टू पर कितना दे रहा है, वन बाई टू। अब क्या रखा मैंने, जीरो। अब थोड़ा समझ जाओ ना डायरेक्ट, साइन इनवर्स जीरो, बोलो साइन इनवर्स जीरो, जीरो, साइन जीरो कितना आएगा, जीरो। तो जीरो पर कितना देगा, जीरो, ऐसे करके। फिर हमने क्या रखा, माइनस वन रखा, तो साइन इनवर्स माइनस वन क्या आएगा, माइनस पाई बाई टू। और साइन माइनस पाई बाई टू कितना आ जाएगा, माइनस वन। तो अपने माइनस वन रखा तो आंसर माइनस वन आ रहा है, वन बाई टू रखा तो वन बाई टू आए, देखो ना। जब अपने एक्स इक्वल टू वन बाई टू रखा तो आंसर क्या मिला, वन बाई टू। जब अपने वन रखा तो आंसर क्या मिला, वन। जब ने माइनस वन रखा तब भी आंसर क्या मिला, माइनस वन। मतलब जो एक्स रख रहे वही का वही क्या आ रहा है आंसर, मतलब ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन किसकी, वाई इक्वल्स टू भी एक्स। मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स इज नथिंग बट कितना आ जाएगा, एक्स। साइन ऑफ साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा, एक्स। बस शर्त क्या है कि आपको एक्स कहां से कहां तक रखना पड़ेंगे, माइनस वन से वन। मतलब कल को अगर ऐसा पूछ ले कि साइन ऑफ साइन इनवर्स वन बाई रूट थ्री, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा मान सकते हैं, हम मान सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई रूट थ्री। मतलब ये साइन ऑफ साइन इनवर्स ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ऐसा आप मान सकते हो, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई थ्री। कैसे बोला मैंने, कैसे बोला वन बाई टू रखा तो आंसर वन बाई टू आया, वन रखा तो आंसर वन आया, जीरो रखा तो आंसर जीरो आया। मतलब जो एक्स रखा वही तो वाई आया,
जैसे x क्या रखा, 1 रखा तो y की वैल्यू भी 1 है, जो 1 बाई टू x रखा तो y की वैल्यू 1 बाई टू है, अगर x माइनस 1 रखा तो y की वैल्यू माइनस 1, मतलब जो x रखा वही तो क्या आएगा y, मतलब y इक्वल्स टू किसकी लाइन आ जाएगी x, मतलब y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन वर्स x के आ जाएगा x, है ना। तो बताओ इसकी डोमेन कितनी आ गई फाइनली, डोमेन कहाँ से का था ग्राफ था, डोमेन आ गई इसकी माइनस 1 से 1, रेंज भी क्या है मिली इसकी माइनस 1 से 1, तो रेंज ऑफ फंक्शन भी क्या आ गया बच्चों माइनस 1 से 1, है ना। ये कैसा फंक्शन है, नॉन पीरियडिक, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है ना, रिपीट नॉन पीरियडिक, बस इतना ही बता सकते हैं। 1 1 2 तो है ही क्योंकि इनवर्स है, तो वो तो बताने की जरूरत नहीं है ना, है ना, ये 1 1 होगा ठीक है सर, और 1 2 भी है, माइनस 1 से 1 कोडोमेन रेंज बराबर होगी, खैर अगर कोडोमेन आर गिवन है तो फिर इन टू हो जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना मैंने क्या बोला। तो पहला हमें साइन ऑफ साइन वर्स एक्स क्लियर हो गया, अब आप खुद से बच्चों ना खुद से अपनी पूरी शिद्दत से अगला आप खुद से करो सॉल्व, है ना, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओ, कौन सा बनाओगे बच्चों, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, है ना, कॉस ऑफ वाई इक्वल्स टू बी कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ खुद से बनाओ, है ना, खुद से बनाओ। मैं पहले कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना देता हूँ, जरूरत पड़ जाएगी शायद, यहाँ पर कौन आएगा, वन पर जीरो माइनस वन पर पाई, ये किसका ग्राफ है बेटा, ये वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा होगा, हम कर क्या रहे यार, मैं बता चुका हूं भैया हम किस पे काम कर रहे हैं, बाहर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो उसको कैसे डील करना है। तो पहला क्या आया हमारे सामने, बाहर पहले साइन ऑफ साइन इनवर्स आया, अब क्या आ रहा है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, है ना। हाँ तो करते हैं इसका काम, तो भाई जो अंदर वाले फंक्शन की डोमेन क्या आएगी, कॉस इनवर्स एक्स की माइनस वन से वन, तो इस पूरा का जो भी ग्राफ बनेगा वो भी कहां से कहां तक बनेगा, माइनस वन से वन, है ना, माइनस वन से वन। चलो वैल्यू रखते हैं, तो जब हमने वन रखा, क्या रखा हमने, वन, इस वाले फंक्शन वैल्यू रखी वन, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स वन, और कॉस इनवर्स वन कितना देता है जीरो, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, ये कितना डिग्री आ गया, जीरो डिग्री, तो कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है बताओ, वन, मतलब वन पर क्या आंसर मिला, वन, है ना। ये आप मन से बनाओ, पहले खुद से करो, पहले नीचे रोक दो अभी भी, है ना। अब क्या रखा हमने, जीरो रखा, तो जीरो रखा क्या मिलेगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स जीरो, जीरो पर कितना देगा, जीरो पर कितना देता है कॉस इनवर्स, कितने डिग्री पर कॉस जीरो होता है, 90 डिग्री पर, तो इसका आंसर कितना आ गया, 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना आ गया, जीरो, मतलब जीरो आंसर रखा तो भाई की वैल्यू भी क्या है, जीरो, तो जीरो पर क्या मिला, जीरो आंसर, मतलब ओरिजिन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। अगला क्या रखा, माइनस वन, चलो तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, ये कहाँ वैल्यू रखा, इसका अगर आप बना रहे तो इसमें ही वैल्यू रखेंगे ना, ऐसा माइनस वन, तो कॉस इनवर्स माइनस वन कितना आता है, देखो पाई, तो कॉस ऑफ कॉस पाई, और कॉस पाई कितना होता है बताओ, कॉस पाई कितना होता है, क्या बोला मैंने, कॉस ऑफ कॉस, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, है ना, ये कॉस पाई नहीं है, ये कितना एंगल आ जाएगा, माइनस वन पर कितना एंगल आ जाएगा, माइनस वन किस पर देता है, कॉस पाई पर, तो कॉस पाई आएगा, कॉस पाई कितना होता है, माइनस वन, मतलब आपने रखा माइनस वन तो आपको आंसर भी माइनस वन मिला, मतलब माइनस वन रखा तो क्या आंसर आया, माइनस वन, जीरो रखा तो क्या है, जीरो, वन रखा तो क्या आया, वन, सेम वन बाई टू रखोगे तो क्या मिलेगा, वन बाई टू, माइनस वन बाई टू रखोगे तो माइनस, मतलब जो एक्स रखा वही आंसर आया, मतलब इसमें भी क्या मिलेगा, वाई इक्वल्स टू एक्स। तो बोलो बच्चों इस प्यारे से ग्राफ का डोमेन क्या आएगा, माइनस वन से वन, रेंज भी कितना आएगा, माइनस वन से वन, समझ में आ रहा है। तो वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी कितना आंसर होता है, एक्स, मतलब ये मान के चलो कि कॉस और कॉस इनवर्स कैंसल ऐसे हो जाएंगे, है ना, जब बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो ये कितना आंसर आएगा, बट शर्त क्या है कि एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए, माइनस वन से वन, है ना, क्योंकि ये किसके लिए वैलिड है, केवल ये जो वाई इक्वल्स टू एक्स की लाइन आ रही है ये कहां से कहां तक के वैलिड है, केवल यहीं से यहीं तक के वैलिड है, इसके बाहर नहीं जाना है बच्चों। तो जो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स आएगा वो भी आपको आंसर कितना देगा, भाई की जो वैल्यू आएगी वो भी कौन आएगी, आपकी एक्स, बट कब, जब एक्स आपके माइनस वन से वन रखोगे, है ना, ऑब्वियस है यार, क्योंकि जो डोमेन है आप वही रखोगे ना वैल्यू, 1.1 थोड़ा रखोगे, क्या पागल थोड़ा हो क्या आप, है ना, या मैं पागल हूं या किताब वाले पागल है, कोई पागल नहीं है, सब बुद्धिमान बच्चे हैं, है ना। हाँ तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पहले दो समझ में आ गए होंगे। अब मैं लेता हूं tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, आपको खुद से ट्राई करना है इसको, आपको खुद से ट्राई करना है इसको। हाँ सर, तो अब हम नेक्स्ट कौन सा लेंगे बच्चों, थर्ड वाला पार्ट, थर्ड, तो आई होप आपने थर्ड वाला ट्राई कर लिया होगा। तो थर्ड वाला क्या है हमारा, वाई इक्वल्स टू बी टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अभी हम केवल किस पे काम कर रहे हैं कि बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए और अंदर इनवर्स होना चाहिए। अभी एक दो दिन बाद हम किस पे काम करेंगे कि जब इनवर्स बाहर आएगा और अंदर कौन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक, बस यही है। ये अगर समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है, वेरी आसान है ना, मतलब सिंपल लगेगा आपको, है ना, ठीक है सर। तो वही सिखाया था हमने, अंदर वाले की डोमेन क्या रही है, टैन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या आएगी,
टेन ओवर एक्स की डोमेन क्या होती है, आर होती है ना, टेन ओवर एक्स की डोमेन क्या होती है, आर होती है। तो यहां पर क्या, जब आर वैल्यू पुट करेंगे, जब हम आर वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स x में जब हम सारी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर कहां से कहां तक मिलेंगे, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। कैसे, a से, जैसा कल आपने मुझे बताया था। ये किसका ग्राफ था, tan इनवर्स x का, मतलब कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो क्या इस tan में, क्या इस tan में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक की वैल्यू रखी जा सकती है? हाँ, क्योंकि tan को तो कहां दिक्कत होती है, पाई बाई टू पर दिक्कत होती है, और माइनस पाई बाई टू पर दिक्कत होती है, उसके पहले तो रख सकते हो आप डोमेन में, है ना। तो हेंस इसके डोमेन क्या आ जाएगी, r, क्योंकि जब आप r रखोगे तो कभी पाई बाई टू नहीं आएगा, जब आप सारी रियल वैल्यू रखोगे तो पाई बाई टू से हल्का सा क्या आएगा, छोटा आएगा, और यहां पर क्या आएगा, हल्का सा क्या आएगा, बड़ा आएगा, माइनस पाई बाई टू से, तो वो वैलिड होगा। तो हेंस इस पूरे फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, आर। मैंने क्या बोला, मैं फिर से बता रहा हूं, सर क्या बोला क्या बोला क्या बोला, नहीं समझ में आया, ऐसे देखो बच्चों, ग्राफ से देखो, इसलिए हम बोल रहे हैं सुबह शाम, एज अ टेबलेट यू टेक ग्राफ। सो नाउ, सो दिस इज डोमेन ऑफ टैन, दिस ग्राफ ऑफ टैन इनवर्स एक्स, सो डोमेन इज व्हाट, ऑल रियल नंबर, सो डोमेन ऑफ टैन इनवर्स एक्स इज ऑल रियल नंबर। रेंज क्या आ रही है, रेंज ऑफ टैन इनवर्स एक्स कितनी इसकी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इट मीन्स इफ यू कीप ऑल वैल्यू यू गेट वैल्यू बिटवीन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। मतलब जब हम सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कहां से कहां तक की वैल्यू मिलेगी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। और टेन तो यही बोलता है ना भैया कि बस मेरे अंदर पाई बाई टू मत आने देना और माइनस पाई बाई टू से मत आने देना, बाकी उसके बीच के बाहर के कैसे भी वैल्यू आप रख सकते हो। तो ये वाली वैल्यू जब यहां से आउटपुट कैसे आएंगे, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, क्या ये टेन में रख सकते हैं, रख सकते हैं, हेंस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब हम क्या पुट कर सकते हैं, आर। तो जो भी इसका ग्राफ बनेगा कहां बनेगा, पूरे रियल में, चलो आओ मिलके, मतलब ग्राफ पूरे रियल एक्सिस में आएगा, पूरे रियल एक्सिस में ना। रखें हम सबसे पहले क्या रखेंगे, जीरो बच्चों वाला नंबर, जीरो रखा तो टैन इनवर्स जीरो, देखो टैन इनवर्स जीरो कितना आएगा, जीरो, और टैन जीरो कितना होता है, जीरो, तो जीरो पर जीरो मिला, वन रखा। टैन इनवर्स वन कितना होता है बताओ, पाई बाई फोर, कितना आएगा, पाई बाई फोर। तो टैन इनवर्स वन रखा, वन वैल्यू रखा, तो वन रखा तो कितना एंगल आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंगल होता है, तो टैन इनवर्स वन कितना आएगा, 45 डिग्री, और टैन 45 डिग्री मतलब कितना आएगा, वन, तो वन पर क्या मिला, वन। अब हम डायरेक्ट बहुत बड़ा नंबर रखते हैं, इन्फाइनाइट, तो टैन इनवर्स जब इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, टैन इनवर्स किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो वैल्यू किसको टेंड करेगी, पाई बाई टू से हल्का सा छोटा, है ना। तो ये जो वैल्यू है क्या ही वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, जब आपने यहां पर मैं वैल्यू रख के बता रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं, देखो फील आएगा, टेन ऑफ टेन इनवर्स बहुत बड़ा नंबर है ना, प्लस इन्फिनिटी, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये एंगल आएगा प्लस इन्फिनिटी पर, यहां आंसर आ रहा है, मतलब यहां पर क्या होता है, पाई बाई टू होता है, पाई बाई टू से हल्का नीचे ग्राफ है, मतलब लगभग लगभग आएगा, बट पाई बाई टू से हल्का सा क्या आएगा, छोटा। और टेन पाई बाई टू यहां पर क्या होता है, पाई बाई टू, पाई बाई टू पर तो डिफाइन ही नहीं होता, पाई बाई टू से हल्के से छोटे पर ग्राफ कहां जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे, मतलब आंसर क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी, मतलब आपने प्लस इन्फिनिटी रखा तो आंसर क्या है, प्लस इन्फिनिटी, है ना। वन रखा तो वन मिला, जीरो रखा तो जीरो मिला, प्लस इन्फिनिटी रखा तो प्लस इन्फिनिटी रखा, सेम माइनस वन रखा तो माइनस पाई बाई फोर, माइनस इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी, तो यहां पर भी क्या मिलेगा आपको, एक्स, मतलब टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स होगा, कब, जब उसकी डोमेन हो, तो डोमेन क्या थी इसके, आर, फॉर ऑल एक्स, सारे रियल के लिए टेन ऑफ टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, हमेशा एक्स। मतलब कल को अगर ऐसा बोले कि टेन ऑफ टेन इनवर्स, सॉरी टेन बाहर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर है, टेन ऑफ टेन इनवर्स कुछ भी, क्या बोला मैंने, कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल दो तो, कुछ भी, तो आंसर भी क्या आएगा, ये कुछ भी आएगा, जो भी अंदर है, रूट थ्री, रूट फोर, फाइव पॉइंट एक हजार, एक करोड़, तो टेन ऑफ टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, वो जो एक करोड़ है तो एक करोड़ आंसर आ जाएगा। बट साइन वाले में केवल कहां से कहां तक रखेंगे, माइनस वन से वन। यहां सारे क्यों बोल दिए, कुछ भी क्यों बोल दिए, क्योंकि यहां पर डोमेन क्या थी, एक्स क्या आया था, आर, मतलब आर मतलब सब कुछ, तो यहां पर भी टेन ऑफ टेन इनवर्स सब कुछ कितना आएगा, सब कुछ, कुछ भी नहीं, सब कुछ बोल दो, जैसे भी बोलना, पर समझ लो बच्चों। तो ये जो ग्राफ आया भाई इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि जो ये पूरे में बना है ग्राफ, पूरे में बना है, तो भाई इक्वल्स टू कितना आ गया, एक्स। तो टेन ऑफ टेन टेन इनवर्स हमेशा क्या होता है, एक्स, फॉर सारे एक्स के लिए। तो डोमेन क्या इसकी, आर है। रेंज क्या है, देखो जरा ध्यान से देखो, मैं मिनिमम कहां तक जा रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी, ऊपर कहां तक जा रहा हूं, प्लस इन्फिनिटी, तो वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू भी क्या है, आर है। तो डोमेन और रेंज सेम आ रही है ना, ये वन 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 टू, ये काफी सब देख सकते हैं ना। तो ये हमने किसका बनाया, टेन वर्स एक्स का, ये टेन एक्स का ग्राफ है, ये टेन ऑफ टेन वर्स एक्स का ग्राफ है ना, ये हमने निकाला टेन ऑफ टेन वर्स एक्स। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट, है ना, अगला कौन सा है हमारा, कॉट इनवर्स एक्स लिख देते। हाँ सर, तो हम अगला हम लेते हैं कॉट इनवर्स एक्स, है ना। तो हम सबके ग्राफ बनाएंगे पहले, तो वाई इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, है ना, कॉस नहीं कॉट, सॉरी
बच्चों समझ में आ रहा ना चल क्या रहा है, पिक्चर क्या चल रही है, वो सीन मतलब क्या चल रहा है, समझ में आ रहा ना? पता नहीं हर कुछ चलने लग गया यार, मैं तो क्या पढ़ने बैठा था और क्या पढ़ रहा हूँ, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। माइंड सेट रखो कि आज सर किस पे काम करवा रहे हैं, जब बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक है और अंदर इनवर्स है, बारी बारी से सर पिक कर रहे हैं, सर ने पहले लिया साइन, फिर सर ने समझाया कॉस, फिर सर ने समझाया टेन, और सर ने यह भी बोला कि खुद से भी करो, तो पहले इसको खुद से करो। अब सर क्या समझाएंगे, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स, फिर सर क्या समझाएंगे, सेक ऑफ सेक इनवर्स, ऐसा है ना, भूलना मत पढ़ते पढ़ते, है ना, कि पता नहीं क्या पढ़ने लग गए ऐसा करके, है ना। तो y plus 2 क्या रहा, cot of cot inverse x, ठीक है सर। खैर तो इसको बनाते इसका ग्राफ, तो पहले इसकी डोमेन देख लेते हैं ना, इसकी डोमेन भी क्या आएगी, इसकी डोमेन क्या आएगी, cot inverse x का ग्राफ देखो, कल ही बनाया था, है ना, आई होप आपने बना लिया होगा, मैंने तो बस ऐसे जस्ट बना दिया था। एक्चुअली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और जीरो से पाई इसकी रेंज होती है, मतलब पाई पे बिल्कुल ऐसे यू करके जाता है, यू करके, यू यू यू, है ना, ये दोनों एसिम्प्टोट्स थे इसके, है ना, ठीक है सर। ये पाई बाई टू आएगा जीरो कॉमा, ठीक है सर। तो ये किसका ग्राफ था हमारा, कॉट का ग्राफ था ना, कॉट का, एक और कॉट का ग्राफ बनता कैसा है ना, कॉट, कॉट मतलब कौन, कॉस, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, है ना। तो पाई बाई टू पर क्या देता है ये, जीरो, कॉट पाई, कॉट पाई बाई टू पर कितना देगा, जीरो, है ना, पाई बाई टू पर कितना देगा, जीरो। तो और जीरो प्लस पर कितना देगा, जीरो प्लस पर ये वन, और जीरो प्लस पर कितना देगा ये, जीरो प्लस, तो जीरो प्लस पर कितना देगा, तो ग्राफ ये पाई बाई टू पर कितना देगा, जीरो। फिर आपने क्या रखा, जैसे पाई बाई टू पर जीरो देगा, फिर पाई बाई टू से आगे नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा ये, है ना। ये किसका ग्राफ है आपका, कॉट एक्स का ना, कॉट एक्स का। तो यहाँ पाई बाई फोर पर कितना देगा, वन देगा कॉट एक्स, है ना, ठीक है सर। इस टाइप से ग्राफ बनेगा, है ना। कॉट पाई से पहले कितना आंसर देगा, पाई से पहले कैंसर कैसा आंसर देगा, माइनस वन, क्यों, क्योंकि जो कॉट यहाँ पर क्या होता है, सारे पॉजिटिव, या पाई होता तो पाई प्लस पर नेगेटिव आंसर आता है, तो नेगेटिव आ जाएगा तो कैसा आ जाएगा, ओवरऑल डिवाइड नेगेटिव आ जाएगा, कॉट एक्स पाई, पाई माइनस पर कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड में नेगेटिव आएगा, इसलिए माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये ग्राफ है उसका, ये मान के चलो आप, वैल्यू रख रहे। तो डोमेन क्या आएगी बताओ, तो जब हम यहाँ पर सारी रियल वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें वैल्यू कहाँ से कहा था कि मिल रही है, जीरो से पाई, तो क्या कॉट में जीरो से पाई तक की वैल्यू रखी जा सकती है, हाँ, कॉट को केवल कहां तकलीफ है, जीरो पे और पाई पे, ये मत रखो बस, बाकी तो सब कुछ रख दो, है ना। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर, यहां से क्या करूंगा मैं, इसका ग्राफ बनाते, तो जीरो रखा, तो कॉट इनवर्स जीरो, कॉट इनवर्स जीरो कितना आएगा, पाई बाई टू, है ना, जीरो रखा, यहां देखो वैल्यू रख के बताते, तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स जीरो, और कॉट इनवर्स जीरो कितना है, पाई बाई टू, तो ये कॉट है बच्चों, कॉट पाई बाई टू, और कॉट पाई बाई टू कितना आ रहा है, जीरो, है ना, जीरो। एक और काम के बाद, कभी कभी क्या मैं ये बोल रहा हूँ और वैल्यू कुछ पुट कर देता हूँ, तो आप मेरी हाथ जोड़ से माफ़ी है ना, माफ़ी है, हम धुन में पढ़ाते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाँ ढिट तो बिल्कुल एक एक चीज़ में नाप तोल के बोल रहा हूँ या ऐसे बोल रहा हूँ, है ना, धुन में पढ़ाते तो कभी कभी आगे पीछे बोल देते हैं, लिखते कुछ हो रहे, बोल कुछ देते, तो उसके लिए माफ़ी, हमेशा मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ, वो फिर क्या होगा कि मैं बिल्कुल पूरा माइंड सेट करके आऊँगा, रट्टा मार के आऊँगा लेक्चर, और यहाँ पर आके उगल दूंगा, तो फिर कोई गलती नहीं होगी, है ना, ना तो कोई मैं रट्टा मार के आ रहा हूँ, धुन में पढ़ा रहा, तो कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए आई एम वेरी 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 सॉरी बच्चों, है ना, उसको आप नज़रअंदाज कर देना, मैं कल के लेक्चर में भी बोल चुका हूँ, है ना, कल वो लास्ट लेक्चर में फंक्शनल इक्वेशन, आपने फंक्शन देखा होगा लास्ट लेक्चर, तो कहीं मेरी त्रुटि हो गई, तो उसमें मैंने कुछ LHS में रखी वैल्यू और मैंने बोल दिया RHS, तो इतना आप इग्नोर करो, है ना, इग्नोर करो ना, आप कंटेंट पर ध्यान दो, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, कंसेप्ट गलत नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है सर। खैर तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स जीरो कितना डिग्री आया, कितना एंगल आया है, कॉट इनवर्स जीरो कितना है, पाई बाई टू, और कॉट पाई बाई टू कितना होता है, जीरो, तो जीरो पर कितना आ रहा है, जीरो। सिमिलरली इन्फिनिटी रखा है ना, दो तीन वैल्यू पर बताऊंगा, तो कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कितना आएगा, जीरो प्लस, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी क्या आएगा, जीरो प्लस, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कितना आएगा, ये कॉट इनवर्स में वैल्यू, ये किसका ग्राफ है, वाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स, भूल मत जाना, जब इन्फिनिटी रखा तो वैल्यू यहाँ मिल रही जीरो से हल्की सी बड़ी, तो आंसर कितना है, जब क्या रखा आपने, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स इन्फिनिटी, तो ये कितना आंसर आया, कॉट जीरो प्लस, और कॉट जीरो प्लस हल्का सा बड़ा रखेंगे तो क्या आने लगा, प्लस इन्फिनिटी, मतलब ये वैल्यू कितना आएगी, इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी रखा तो कितना आंसर मिला, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी, हेंस ग्राफ ये बनेगा। तो सेम टू सेम फोटो आइडेंटिकल है कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की, इनकी खूबी यही है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, बोथ आर ग्राफ आर आइडेंटिकली सेम दिखेंगे आपको, एंड ऑल्सो जो टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स एंड कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स सेम, दोनों के दोनों क्या आइडेंटिकल, अच्छा मतलब सेक और कोसेक भी वैसे ही होंगे, देखते बना के, वो खुद बना के देखो, है ना।
तो इसकी डोमेन बता दो बच्चों, डोमेन आर, रेंज बता दो आर, तो हेंस ये भी क्या होगा, हमेशा एक्स होगा फॉर ऑल एक्स, मतलब अगर कॉट के आ जाए तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे, एक्स लिख दोगे, है एक्स लिख दोगे, ये भी खूबी है, ठीक है सर। ये सेम टेंजेंट जैसा है ना। अब नेक्स्ट लेता हूं मैं, नेक्स्ट कौन से बच्चे हमारे, कोसेक एंड सेक है ना, ट्राई है ना, पहले खुद से ट्राई करो। हाँ बच्चों, तो अगला क्या ले रहे हैं हम, वाई इक्वल्स टू बी कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। बच्चों मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो कोसेक इनवर्स एक्स है और सेक इनवर्स एक्स से, आपको ग्राफ इनके ज्यादा बार बनाना है, क्योंकि साइन और कॉस का फ्रीक्वेंटली इजी भी है और फ्रीक्वेंटली यूज भी होगा थोड़ा, तो बढ़िया हो जाएगा। बट ये कॉस और कॉसेक और सेक है ना, अभी फिलहाल में इसे कम यूज होंगे है ना, बट उनके ग्राफ आपको अगर याद है तो आपको डर नहीं लगेगा ना, तो डर बैठ जाएगा, ध्यान रखना है ना, ठीक है सर। तो इसकी डोमेन क्या होगी, वही जो अंदर वाले की डोमेन है, तो इसकी डोमेन क्या थी, याद करो, कॉसेक इनवर्स एक्स की, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी। ये डोमेन रेंज कैसे याद करना, मैंने कल सिखा दिया था आपको है ना, सिखा दिया था, ठीक है सर। तो फिर कॉसेक का ग्राफ बनाते हैं, फिर है ना, कॉसेक का ग्राफ बनाते हैं, कॉसेक का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाता, हाँ इतना ही बनूंगा, क्यों इतना बनूंगा है ना, याद है ना, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक ही बनूंगा, क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें हमारा प्रिंसिपल वैल्यू था ना, प्रिंसिपल वैल्यू था, ठीक है सर। उसके बाद फिर हमने किसका बनाया था, किसका बनाया था हमने ग्राफ, ये वाला ग्राफ में किसका बना रहा हूँ, कोसेक इनवर्स एक्स का ना, हमें खुद को याद नहीं है, है ना, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए है ना। जैसे हमने वैल्यू कौन सी रखेंगे बच्चों, ये माइनस इन माइनस वन से वन, ये वाली वैल्यू रखेंगे ना, वैल्यू रखेंगे, तो जब हमने वन रखा था कितना आंसर मिला, पाई बाई टू है ना, जब माइनस वन रखा तो आंसर कितना मिलेगा यहाँ से, माइनस पाई बाई टू है ना। और हम क्या नहीं रख सकते बच्चे, जीरो नहीं रख सकते ना, जीरो, तो जीरो वाली लाइन क्या आ जाएगी, डॉटेड लाइन आ जाएगी। तो जब आपने इन्फिनिटी रखा तो इन्फिनिटी पर कितना आंसर आ रहा है, जीरो प्लस पर क्या दे रहा है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर क्या देगा, जीरो प्लस। तो ग्राफ ये कुछ इस तरीके से बनाता आई होप है ना, ये किसका ग्राफ था हमारा, कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसका बनाते हैं ना, इसका बनाते हैं, इसका बनाएंगे, सबसे पहले क्या रखूंगा, वैल्यू कहाँ से, ये डोमेन आएगी क्योंकि अंदर वाले की डोमेन यही है, तो डोमेन क्या है, ये वन से इन्फिनिटी और माइनस वन से माइनस, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसके बीच में नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपने क्या रखा, वन, तो कोसेक इनवर्स वन कितना होगा, देखो पाई बाई टू, तो कोसेक इनवर्स वन कितना एंगल दे रहा है, पाई बाई टू, और कोसेक पाई बाई टू कितना होता है, वन, मतलब वन पर कितना आंसर मिला, वन। इन्फिनिटी रखा तो कोसेक इनवर्स इन्फिनिटी कितना देगा, जीरो प्लस, क्या बोला मैंने, कोसेक इनवर्स इन्फिनिटी कितना देगा, जीरो से हल्का सा बड़ा। और ये किसका ग्राफ है, कोसेक एक्स का, ये पूरा ऐसे बनता है, मैंने पूरा नहीं बनाया ना, कोसेक एक्स का। तो जब कोसेक इनवर्स आपने इन्फिनिटी रखा, बहुत बड़ी वैल्यू रखी, तो कोसेक इनवर्स इन्फिनिटी क्या आएगा, जीरो से हल्का सा बड़ा। और जब कोसेक में जीरो से हल्का सा बड़ा रखा तो ग्राफ कहां पर मिल रहा, प्लस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। सर क्या बोला, फिर से समझाओ, ऐसे देखो यहां पर वैल्यू रखे, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स इन्फिनिटी पर काम चल रहा है, तो ये वाला एंगल कितना आया, देखो ध्यान से, जीरो प्लस इन्फिनिटी पे, तो कोसेक कितना है बच्चों, जीरो प्लस, और कोसेक जीरो से हल्का सा बड़ा रखा ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब कितना आ रहा, प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर कितना है, इन्फिनिटी। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, सेम माइनस वन पर कितना देगा, माइनस वन और माइनस एट, तो ऐसा मिलेगा। तो ये जो बीच में क्यों नहीं बना, क्योंकि माइनस वन से वन की वैल्यू नहीं रख रहे, क्योंकि डोमेन ये है ना। तो हेंस ये जो ग्राफ बना है, किसका ग्राफ बना है, वाई इक्वल्स टू बी कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, वही डोमेन दोनों की सेम ही रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी। एंड रेंज भी क्या आएगी, यही आएगी है ना, रेंज भी आएगी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी। तो ये भी क्या रहेगा, हमेशा x रहेगा, पर x हमेशा नहीं रहेगा, तो जब x केवल यही वाले पुट करोगे, मतलब जो डोमेन वाली x पुट करोगे, तो cosec of cosec inverse x हमेशा x होगा। सिमिलरली अब मैं अगला नहीं बना रहा हूं, सेम टू सेम ग्राफ बनेगा, सेम टू सेम डोमेन रेंज आएगी, sec of sec inverse x, आप खुद से ट्राई करें, सेम टू सेम ग्राफ बनेगा, सेम डोमेन है, सेम रेंज है, ठीक है सर। तो ये हमारा क्या कंप्लीट होता है, ग्राफिकली पार्ट कंप्लीट होता है, कि बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए तो अंदर इनवर्स आए तो कैसे डील करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ चार पांच एग्जांपल्स देता हूं, उनको कैसे वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या इनका यूज है, ठीक है सर। तो मैं एग्जांपल्स लेता हूं, ये वाला पहले खुद से बनाना, फिर ही आपको वीडियो देखना आगे, ठीक है सर। पहले खुद से बनाओ, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या फील कर पा रहे हो, सेक एक्स अगर आप बनाओ, जहां तक आपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तक बनाया था, फिर सेक इनवर्स एक्स अगर आप बनाओ, वो जीरो रखो, इन्फिनिटी रखो, माइनस इन्फिनिटी रखो, आपको फील हो जाएगा, गारंटी इस बात की, ठीक है सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो उनको आपको निकालते आ गया होगा। तो एक काम की बात निकली, तो इनकी डोमेन क्या आएगी,
जो अंदर वाले फंक्शन की डोमेन है वही क्या है डोमेन, और जो डोमेन है वही रेंज है। 10 के ग्राफ में देखो, tan ऑफ tan ऑफ x की डोमेन भी वही है r और रेंज भी r है, sin ऑफ sin ऑफ x भी डोमेन क्या है -17 और रेंज भी क्या है -17, सेम cos ऑफ cos इनवर्स x की डोमेन भी क्या है -17 एंड रेंज भी क्या है -17, मतलब डोमेन रेंज सेम आ रही है इनके सबके जिनके ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है सर। और इनमें भी स्पेशलिटी क्या कि cosec और sec, cosec ऑफ cosec इनवर्स और sec ऑफ sec इनवर्स सेम है पूरे, tan ऑफ tan इनवर्स एंड cot ऑफ cot इनवर्स सेम है पूरे, एंड लास्ट वन कौन है हमारा, कौन है साइन ऑफ साइन इनवर्स एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, तीनों के तीनों ग्राफ क्या दो, मतलब दो दो के पेयर के ग्राफ से मारे उनकी डोमेन और रेंज बराबर आ रही, इतना ऑब्जर्वेशन है, ठीक है सर। अब मैं लेता हूं कुछ एग्जांपल्स। हाँ सर, तो अब हम क्या लेते हैं कुछ एग्जांपल्स है ना, एग्जांपल्स, और ये एग्जांपल्स जो भी हमने पढ़ा ना टॉपिक उसी पर बेस्ड है, हमने भी पढ़ा क्या, सब आसान है यार, है ना, सब आसान है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। हमने पढ़ा कि जब बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर इनवर्स है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उस पर हमने काम किया है, बस हमने बस ग्राफ बताया ना, ग्राफ बताया। अब मैंने जानबूझ के ऐसे सवाल लिए कि बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक है, 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 और अंदर सभी में कहीं ना कहीं क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट यहां पर क्या है अंदर कौन है, जो बाहर है वो अंदर नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है, तो यहां से अब अलग अलग आएगा तो कैसे सॉल्व करना है उस पर करेंगे। अगर मैं ये सवाल ऐसा बोलता कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 कितना होता, तो फिर 3/5 होता एक्स होता ना, एक्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है, क्योंकि -17 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा 3/5। तो ये ऐसे सड़े सवाल हम क्या करवाएंगे ना, करते रहो सवाल बेटे बेटे, खूब सवाल लो लो करे नहीं करते सवाल सर, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 ये ऐसे सवाल है ना, ये ऐसे सवाल ये आप बना सकते हो डायरेक्ट डायरेक्ट, कितना आंसर आ जाएगा ऐसा करके ना। बट इस बार क्या आ रहा है कि बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, बट अंदर कौन आ रहा है, इनवर्स आ रहा है बट अलग आ रहा है, उसको कैसे करना है मैं एक एग्जांपल्स में बड़े एक मिनट से समझा रहा हूं, बाकी आपको सारे चारों पांचों करना ट्राई, ठीक है सर। ये दो अलग कैटेगरी के हैं, उसमें एक समझा दूंगा और बाकी बिल्कुल सेम है ना, सेम है। तो मैंने एक पहला सवाल उठाते हैं, पहला सवाल एक सवाल ही, पहला सवाल मार्केट में आ रहा है इनवर्स का, आपके सामने पेश है इनवर्स का पहला सवाल, सावधान बड़े इत्मीनान से कान खोल के वीडियो बिल्कुल ऐसे देख, बिल्कुल पेन नीचे रख के आराम से इत्मीनान से समझना है, ठीक है सर। और ये जो कर रहे हैं यही माता पच्ची पूरे चैप्टर में होगी, ध्यान रखना। तो क्या दिया पहला सवाल, क्या है, बिल्कुल आसान सवाल है, बहुत गरीब सवाल है ना, बहुत गरीब सवाल है, बट ये बेसिक है, ये समझना जरूरी है ना। तो क्या है बच्चों की कॉस ऑफ साइन इनवर्स है ना, तो मैंने क्या सिखाया था कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, एंगल, बोलो हाँ है ना, कैसे हाँ बोलोगे, मैं खुद ही बोल लेता हूँ, हाँ सर। तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, वो एंगल होता है, तो क्या इसको मैं एंगल बोल सकता हूँ, थीटा, हाँ बोल सकते हो। तो सवाल क्या हो गया, वाई इक्वल्स टू कॉस थीटा, पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5, इसको मैंने क्या लेट कर लिया थीटा, तो अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की, जैसे तैसे अगर करके मैं कॉस थीटा की वैल्यू ले आया तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। तो अब यहां से देखो, तो साइन इनवर्स 3/5 कितना है, थीटा है, तो साइन थीटा कितना होगा, 3/5, इसका मतलब ही तो यही होता है कि साइन इनवर्स 3/5 कितने एंगल पर दे रहा है, 3/5 कितने एंगल पर आ रहा है आंसर, थीटा एंगल पर, मतलब साइन थीटा पर क्या दे रहा होगा, 3/5 उल्टा इनवर्स है ना, सिखाया ना मैंने कि साइन इनवर्स समथिंग कुछ क्या आंसर देता है, एंगल, और उसी एंगल पर वैल्यू क्या देता है, वापस वही कभी, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अबे वो ऐसे पढ़ते ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा सब तुमने देख रहा होगा। तो पी बाई एच, तो साइन कितना आगे, पी बाई एच, पर मुझे क्या चाहिए, हाँ तो साइन थीटा कितना आगे, पी बाई एच, ये एंगल थीटा आ गया, इसको बोलते परपेंडिकुलर, इसको बोलते बेस, इसको बोलते हाइपोटेनियस, मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ रहा, इतना आता होगा आपको, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, 3, बेस कितना है, हाइपोटेनस कितनी है, 5, तो बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा सर, बेस 4 कैसे हो गया, वही एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच कितना है, 25 हो जाएगा, एच 5 गिवन है, स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर कितना 9, और बेस स्क्वायर चाहिए, तो 25 माइनस 9 इक्वल्स टू कितना आ गया, बी स्क्वायर, तो 16 बराबर कितना आ गया, बी स्क्वायर, तो यहां से बेस कितना आ गया, 4। तो यहां से अब मैं यहां से सब कुछ निकाल सकता हूं, मेरे पास साइन थीटा पता है तो मैं कॉस थीटा भी निकाल सकता हूं, टेंथ में से सीखते थे ना, तो मुझे क्या चाहिए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, यहां से ट्रिग्नोमेट्री से कॉस थीटा इज नथिंग बट बेस, मतलब 4/5, यही क्यों, यहां रख दो तो 4/5, यही भाई की वैल्यू आ गई, हेंस पहले वाला का आंसर क्या आएगा, 4/5, मतलब जब बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है
और अंदर इनवर्स है तो वही का वही आंसर नहीं आएगा, बदल भी सकता है। तो सर वही का वही कब आएगा? जब ये भी साइन होता, जब ये भी साइन और ये भी साइन वर्स होता तो आंसर सेम होता, बोलो हाँ है ना। अरे यार है ना, इतना तो आसानी समझ गए होंगे। आई होप आपको पहला वाला सवाल आ गया होगा। दूसरा वाला बच्चों खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो पहले, खुद से ट्राई करो, है ना। सिंपल सवाल है ना। मैं वीडियो पॉज करके बैठ गया तो वीडियो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो क्या करेंगे, सवाल क्या है भाई, इक्वल्स टू बी कॉस ऑफ टैन इनवर्स 3/4। क्या सिखाया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, एंगल। तो इसको क्या ले लिया मैंने, बोलो बच्चों, एंगल। तो सवाल क्या हो गया, कोस थीटा, इसको इधर भेज दिया तो 3/4 इक्वल्स टू टेन थीटा, है ना। इसमें तो मजा आ रहा होगा, आएगा क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि यही तो सर, ये तो समझ में आ रहा है सर, इसलिए मजा आ रहा है। ये ना ये समझ में नहीं आता, कोई बोलता है ना तो उसका रीजन ये है कि उसने शुरू से फॉलो नहीं किया है, टेंथ में उसने बिल्कुल वो है ना वो गड़बड़ करके रख दिया है, या इलेवंथ में उसने गड़बड़ कर दिया है। तो अभी भी ये गड़बड़ जो करी हमने बता दिए पहले लेक्चर में कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले देख लेना, याद कर लेना, ग्राफ को ट्रीटमेंट 2-3 बार सुबह शाम खाना खाने से पहले लिख लो कॉपी पे कि खाना तभी खाऊंगा जब टेन सेक इनवर्स है कोसेक इनवर्स से, ग्राफ 4 बार मन से बनूंगा, तभी खाऊंगा जब दोपहर का खाना है दोपहर की चाय तभी पीऊंगा, जब इतने ग्राफ बना लूंगा, जब इतनी बार कॉपी पढ़ लूंगा, तो सब बीमारियां जो है ना छोटी छोटी बीमारियां सब दूर हो जाएगी ना। हाँ, तो ये परपेंडिकुलर पॉइंट बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3/4, तो हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस से निकाल लेना 5 आ जाएगी, मैं उम्मीद करता हूँ इतना निकाल लोगे आप, है ना। पर मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए पहले, मैं बस ये था मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसको मैंने थीटा मिला, मुझे किसके लिए चाहिए कॉस थीटा। तो बताओ कॉस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका भाई, कितना आएगा 4/5। बहुत ही आसान, वेरी आसान, है ना, वेरी आसान। तो आई होप आपको पहले दो सवाल आपके आंसर आ गए होंगे, है ना। अब आप ये वाला सवाल ट्राई करो, कौन सा, फिफ्थ वाला, पहले खुद से करो, वीडियो पोस्ट करो, सुन लिया करो भाई, वीडियो बहुत सारे बच्चे देखते ही रहते हैं, करते ही नहीं सॉल्व, वेट करते हमारा, वीडियो पोस्ट करो सभी, सीख नहीं पाओगे नहीं तो भैया सीख नहीं पाओगे, करो वीडियो पोस्ट, है ना, करते ही नहीं बैठे नहीं तो सर वेट करेंगे, मैं क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा, मेरे को एग्जाम, अरे मुझे थोड़ा ना देनी एग्जाम, आपको देनी है, करते ही नहीं वीडियो पोस्ट बहुत सारे, जो कर रहे हैं उसको नहीं बोल रहा हूं, है ना, मैं ध्यान रखना, दिल पे मत ले लेना, जो नहीं कर रहे उनके लिए है, मुझे पता है, अभी भी टाइम है, करो वीडियो पोस्ट, है ना। अब सुन ली होगी उस बच्चे ने, है ना, अब भी नहीं सुन रहा तो उसको कोई सिखा नहीं सकता, है ना, प्रभु भी नहीं सिखा सकते बच्चों, फिर तो भगवान विष्णु भी आएंगे ना तो वो भी नहीं बता सकते, है ना। पाई बाय 3 + साइन इनवर्स रूट 3/2, सर इसको थीटा ले क्या, इसको थीटा ले के जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू हमें नहीं पता था पहले, 3/7 क्या होता है, इसका वैल्यू नहीं पता होता, इसका तो पता होता है, तो जाना माना वैल्यू है, ये तो पॉपुलर है बेटा, है ना, क्या पॉपुलर है, √3/2 कब देता है कॉस, साइन √3/2 कब देता है बताओ, 60 पे, मतलब पाई बाई 3 पे, तो वाई इक्वल्स टू कितना आएगा, साइन पाई बाई 3, और ये √3/2 कब देता है, किस पर देता है √3/2, बोलो, साइन इनवर्स √3/2, साइन 60 मतलब कितना, साइन 60 मतलब कितना, पाई बाई 3 पे ना, तो पाई बाई 3 और पाई बाई 3 मिलके कितना हो गए, 2π/3, है ना, 2π/3 मतलब कितना डिग्री, पाई और पाई मतलब, हाँ 2π/3 मतलब कितना, 100, ये कितना होता है, 60 और 60 कितना होगा, 120 होगा ना, 120, और साइन 120 को क्या लिखेंगे बच्चा, हो साइन 180 - 60, बोलो हाँ है ना, और साइन 180 पे पाई पे चेंज नहीं होता है, तो 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो साइन 60, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, हैंस इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3/2, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, √3/2 60 पे देता है ना साइन, हाँ सही है ना, 60 और 60 120 बिल्कुल सही है, सब सही है, तो हैंस इसका आंसर कितना आएगा, √3/2। तो आई होप आपको फोर्थ वाला आ गया होगा। अब थर्ड और फोर्थ में से मैं एक करके दे रहा हूँ, बाकी आपको मन से करना है ना, कौन सा करके दू बताओ, थर्ड ही कर देता हूँ, है ना, दोनों एक समान है ना, बस थोड़ा बहुत अलग है, तो एक सवाल ले लेते, कितना आ गया ऐसे बताओ, साइन ऑफ 1/2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, पहले खुद से ट्राई करो ना, खुद से ट्राई करो, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के देखो, है ना, सीखना है तो, नहीं तो फिर हम बताएंगे ही बच्चों, है ना, ठीक है। तो क्या सिखाया मैंने इसको, क्या सिखाया इसको, ये क्या ले लो, ये क्या होता है, एंगल होता है, तो कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस इनवर्स 4/5 को क्या ले सकते हैं अपन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, हम क्या करते आ रहे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या शो करता है, एंगल शो करता है, तो इसको क्या ले लिया, एंगल, तो इसको एंगल क्या मान लिया, थीटा, पर इस बार थीटा नहीं मानूंगा, 2 थीटा मानूंगा, सर ये सपना कहां से आएगा आपको, क्योंकि यहां 2 से 2 कट जाएगा, इसीलिए
इसीलिए हमने इसको टू थीटा लिया है। ठीक है सर, थीटा लेंगे तब भी आंसर आएगा, आ जाएगा ऑफ कर से करके देखो। तो अगर सर थ्री आ तो थ्री थीटा लेते हैं, हाँ ऐसा ठीक है सर, तो यहाँ टू थीटा ले लिया, कितना आएगा बताओ। y इक्वल्स टू साइन वन बाई टू इंटू टू थीटा, टू से टू गया तो y इक्वल्स टू क्या आ गया साइन थीटा। मतलब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए है ना। तो 4 बाई फाइव इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ, कॉस टू थीटा। तो अगर कॉस टू थीटा है तो हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या कॉस टू थीटा का ऐसा कोई सा फार्मूला है जो इन टर्म्स ऑफ साइन में है, हाँ है। कॉस ए प्लस बी कितना होता था, मैं लिख देता हूं क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बी को ए से रिप्लेस किया तो 2a हो गया, बी को ए से रिप्लेस किया तो ए प्लस से 2a हो गया, बी को ए से रिप्लेस किया तो ये कॉस ए हो गया, यहां भी साइन है, बी को ए से रिप्लेस कर दिया, जहां जहां बी था वहां ए रख दिया, तो कितना आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये पहला फार्मूला मिला कॉस 2a का। अगली बार जीवन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जहां भी मैं पढ़ूंगा ऐसी कोई उम्मीद मत करना कि मैं आपको बताऊं, है ना ये वाला फार्मूला। अब मैंने कॉस को क्या लिख दिया बताओ बच्चों, कॉस को क्या लिख दिया, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक और माइनस साइन स्क्वायर ए था तो कितना हो गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। तो एक बिल्कुल यहां से चमचमाता नया फार्मूला आया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए इज कॉस टू ए, है ना। तो कॉस टू ए की जगह सर यही क्यों रखें, क्योंकि साइन चाहिए हमें, तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस, इसकी जगह रख दिया इस 4 बाई फाइव। नाउ वी कैन फाइंड साइन थीटा, यस इजिली, नाउ इसको शिफ्ट किया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 4 बाई फाइव। बोलो बच्चों एलसीएम छोटा मोटा लिया तो 5 माइनस 4 बाई फाइव इक्वल्स टू कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, कितना बचेगा ये 1 बाई फाइव। तो फाइनली साइन स्क्वायर थीटा कितना मिल गया हमें, 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई फाइव, मतलब साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1 बटे 10। तो इसको रूट लोगे तो प्लस माइनस आएगा, बट हम क्या लेंगे केवल पॉजिटिव वाला है ना, पॉजिटिव एंगल है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 बाई रूट 10। तो इसका आंसर कितना आएगा 1 बाई रूट 10। सिमिलरली आप इसका सॉल्व करना ये वाला क्वेश्चन, और यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा, है ना। तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ 10 में होगा, निकाल के देखना, दिमाग लगाना, नहीं आए तो हमसे कम पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, कल मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है सर, तो मिलते हैं अगली क्लास में, आई होप आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे। ये 5 एग्जाम्पल्स नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में वी नीड टू मोर एग्जाम्पल्स, और प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी हमें पढ़ने की जरूरत है ये वाला साइन इनवर्स ऑफ साइन। आज हमने किस पे काम किया बच्चों, कि जब बाहर कैसे आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक, पर हम जब ऐसा पढ़ लेंगे ये वाला भी पढ़ लेंगे, तब हम मिक्स करके इस टाइप के और कम से कम 10 15 20 सवाल कराएंगे, तब तक आपको और मेच्योरिटी आ जाएगी। तब तक आप आपकी कोई सी बेसिक बुक हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे सिंगेज हो, वहाँ पर इस टाइप के अगर सवाल दिखे तो उनको प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है सर, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू। हाँ एक और काम की बात, अगर कोई तेज लगा हो तो छोटा सा पार्ट अगर बीच में तो यार है ना, रिकेप करके देख लेना, अगर समझ में आ रहा हो ना तो कमेंट करके बोल दिया करो, हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि यार पता नहीं कहाँ गड़बड़ी हो गया। और फिर एक बार बोल रहा हूँ कि अगर कुछ मैंने बोला लिखा कुछ तो वो त्रुटि माफ़ कर देना। ठीक है सर, मतलब मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल एरर लेस बनूँ, है ना, बट इंसान है ना, भगवान से भी गलती हो जाती है, तो हम तो इंसान है, तो वो आप इग्नोर कर लेना ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप इतने समझदार हैं कि मेरी बात को मानेंगे, आप मेरी कंटेंट को समझेंगे, मैं एक्सप्लेनेशन को समझेंगे कि मैं कैसे बता रहा हूँ, ना कि मैंने क्या लिख दिया और क्या बोला, उस पर ध्यान दोगे। ठीक है सर, मिलते हैं, थैंक यू।